हे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो चलते हैं आज नया वीडियो के साथ, नया नज़ारा के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैंने जो ऑलरेडी मेरा रूम से बाहर निकला जा रहा हूँ, ठीक है। आज आप लोगों को मतलब ऐसे जगह पे लेके जाएंगे, तो मैंने जा रहा हूँ रोड से जा रहा हूँ। मेरे साथ लोग नहीं जाएगा, मैं खुद ही जा रहा हूँ। चलिए साथ चलते हैं। दोस्तों, हम जहाँ जा रहा है ये बांस के माध्यम से चलना पड़ेगा, यही बांस से, तो इसमें उतर के चलते। बांस के पास आ गया है और इसमें अभी अंदर में जाएंगे। जाने के बाद बैठे ये बांस के माध्यम से ही मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज लेके जाएंगे दीघा पे, दीघा बीच में समंदर। दोस्तों ऑलरेडी पहुंच गया है हम दीघे पे, यही है दीघा, दीघा का एरिया है। तो अभी चलना है हम लोग को, ये बस तो बच्चे उतर गया है, अभी चलना है होटल में। होटल में आज रात रुकना पड़ेगा, रुकने के बाद ही कल सुबह से लेके स्टार्ट करेंगे जो दीघा का ब्लॉक है, समंदर का ब्लॉक, ठीक है गाइस। ओके, देखते हैं रूम ढूंढते हैं। अभी मॉर्निंग 4 बज चुका है और हम लोग दीघा पे आया है। यही दीघा है, यही जो समंदर के लिए बारे में हमने बोला है, यही समंदर है। तो दोस्तों ये समंदर में आज मतलब क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नज़ारा है, पूरा दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए गाइस, आप लोगों का विदाउट सपोर्ट से हम कभी आगे बढ़ नहीं सकेंगे, कभी नहीं, क्योंकि हर कोई मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आप आज आया है मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का अच्छा अच्छा नज़ारा दिखाने के लिए, ठीक है। ये यही है दीघा का, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर में ये बीच है, ये समंदर है, ठीक है। तो आप लोगों को देखने में कैसा लग रहा है, अभी सुबह हुआ है 4 बजे, तो कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना।
जैसे आप लोगों को जो बताया था मैंने यही होटल रूम लिया था रात रहने के लिए, तो आप इधर से ऑटो करके जाना पड़ेगा दूसरा जो हम बीच का दूसरा भी और जगह है उसमें भी बहुत मस्त नज़ारा है। दूसरा जगह पे आया है अभी, ये उड़ीसा के अंदर हूँ हम लोग, अभी वेस्ट बंगाल के अंदर नहीं है, तो उड़ीसा का बीच में मतलब जो एरिया है उसमें ये मतलब बीच